brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. बिहार में दूसरे चरण के मतदान के दौरान की इस तस्वीर ने सबको चौंकाया। मतदान बूथ के अंदर नई नवेली दुल्हन गठजोड़ में पति के साथ वोट डालने आई। शादी के बाद दिलवाले दुल्हनिया को लेकर ससुराल जाते तो वहीं वो दुल्हन को लेकर मतदान कराने आया। दरअसल शादी के तुरंत बाद नई नवेली दुल्हन श्वेता और उनके पति सुबोध मतदान के लिए कटिहार के बूथ पर पहुंचे थे। पति सुबोध का सातवें चरण यानी कि 1 जून को मतदान होना है, लेकिन उसके पहले ससुराल में पत्नी को शादी के अगले दिन ही वोट डालना था और शर्त भी थी, तो भला पति क्या करता, गठजोड़ में पहुंच गया वोट डलवाने। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, वोट देना सबके लिए जरूरी है। कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा देखते हैं। आपने समझाया नहीं कि पहले ससुराल चलो फिर मतदान, पहले वोट जरूरी समझा। और आज अब दुल्हनिया लेकर आप भी मतदान करेंगे? नहीं, हमारा 1 जून को है। क्या नाम है आपका? दरअसल श्वेता चंद्रवंशी की शादी देर रात हुई, शुक्रवार को वोटिंग और दुल्हन की विदाई भी थी। ऐसे में श्वेता ने अपने वोट का महत्व समझा और कहा कि मतदान के बाद ही विदाई होगी। उसके बाद शादी के जोड़े में ही नगर क्षेत्र के मुफरगंज गरीड़ी टोला बूथ संख्या 223 पर अपने पति के साथ पहुंचकर उसने वोट डाला। मैं ससुराल ना जाने की जिद पे इसलिए अड़ी हुई थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वोट देना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगी कि वोट जरूर दें। अब ससुराल जा रही है? हाँ। क्या नाम हुआ? श्वेता चंद्रवंशी। दे दिया आपने वोट? वोट दिया आपने? वोट डाल दिए? क्या नाम है आपका? श्वेता चंद्रवंशी। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि मतदान कितना महत्व रखता है। तभी तो सात फेरों के बाद हुआ मतदान और फिर हुई दुल्हन की शादी के बाद विदाई। कटिहार से विपुल राहुल की रिपोर्ट, बिहार तक।